सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं मौली प्रॉपर्टी सर्च तो गुरमन बोल रहे हैं। आज थोड़े वास्ते एक नवी कोठी लेके आया, 30x60 साइज़ है, 200 गज की कोठी हैगी है। प्रॉपर रहायश हैगी, जिवें कि तुहानू दिखा रहे हैं, प्रॉपर वाटर सीवरेज सड़कां सारी पई हुई है, लुक वाली सड़क है, एम सी दे अंडर आंदा एरिया। सब तो अच्छी गल है, प्रॉपर ग्रीन है सारा और प्रॉपर रहायश हैगी है। एक दूजी गड्डियां लगन तो बाद भी जगह बहुत बचती है। नियर बाय मार्केट है, नियर बाय गुरुद्वारा साहब है। सब तो अच्छी गल ये हैगी है कि पार्क भी बहुत नज़दीक है, गुरुद्वारा साहब भी नज़दीक है, मार्केट तो वॉकिंग डिस्टेंस है और NH21 हाईवे भी बहुत नज़दीक हैगा। दोस्तों ये फ्रंट एलिवेशन हैगा इस कोठी का, साइज़ हैगा 30x60। दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश होंगी कि मैं लाइव वीडियोज़ बनावा और मैनू सब्सक्राइब लाइक जरूर करियो, मैनू सब्सक्राइब लाइक जरूर करे। थोड़े सपोर्ट तो आशीर्वाद की लोड़ हैगी है। सब्सक्राइब करके मेरी जी वीडियोज़ है उन्होंने जरूर देखियो, थोड़े को बहुत सारी कोठीज़ की ऑप्शन तो प्लॉट्स की ऑप्शन आ जूगी। तो दोस्तों ये आ गया फ्रंट एलिवेशन 200 गज का। हुण आपां अंदर चल के देखते हैं। आ नीचे जिहड़ा हैगा तुहानूं दसना चाहवांगा, गैस सिलेंडर की ऑप्शन आ जाती है। इत्थे 2-3 कारां लग जांदी है आराम नाल। तो इत्थे थोड़ा जिहड़ा हैगा गार्डन जोन एरिया आ जाता है, काफ़ी खुला, और उपर तक जिहड़ी हैगी टाइलिंग्स हुई हुई है दोस्तों। तो दोस्तों सेम उपर तक जिहड़ी हैगी सारी टाइलिंग्स हुई हुई है, और तुहानूं दिखाना चाहवांगा कि आ प्रॉपर जिहड़ा हैगा लाइटिंग्स हुई हुई है, हैवी स्टील पाइप्स लगी हुई है। हुण आपां अंदर चल के देखते हैं। 8 फुट के सारे स्टैंडर्ड दरवाजे लगे हुए हैं दोस्तों। दोस्तों ये जाली डोर भी जिहड़ा हैगा काफ़ी अच्छा बनया हुआ, अंदर मिरर लग्या हुआ है। जिवें आपां कोठी दे अंदर एंटर करते हैं आ सिटिंग एरिया आ जाता है। सब तो पहले मैं सिटिंग एरिया दिखा दिंदा। इत्थे तुसीं उपर देखोगे प्रॉपर लाइटिंग्स हुई हुई है और पार्टीशन भी बनी हुई है, और तुहानूं दिखाना चाहवांगा एल ते यू शेप दे विच आराम नाल सोफा लग जाता है। प्रॉपर सनलाइट आ रही हैगी है बाहरों की, और काफ़ी ह्यूज स्पेस हैगी है जिवें कि तुहानूं दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आ जाती अपनी पार्टीशन, तुसीं देखोगे आ पार्टीशन आ गई है, काफ़ी खुली जगह हैगी है दोस्तों। तो दोस्तों हुण जिवें कि आपां ड्राइंग रूम तो आपां अगर डाइनिंग एरिया चाहते हैं, वो सिटिंग एरिया आ गया जिवें आपां एंटर करते हैं, और ये आ गया हैंड वॉश की भी ऑप्शन दी हुई है। आ पार्टीशन आ गई और सामने जिहड़ा हैगा LED पैनल बनया हुआ है, नीचे काफ़ी सारे बॉक्सिस बने हुए हैं दोस्तों। आ सीगी अपनी मेन एंट्रेंस, और ये आ जाती अपनी प्रॉपर मॉडलर किचन आ जाती है। ब्लैक ते ब्राउन शेड दे विच किचन हैगी है, और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। साइड ते क्रॉकरी स्टैंड भी दिता हुआ है। सब तो अच्छी गल है किचन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, एल शेप किचन हैगी है, इतने 2-3 बंदे ईजली खड़ सकते हैं, और ये उत्ते भी तुसी जिहड़ा हैगा चेयरस रख के अपना जिहड़ा हैगा डाइनिंग का भी कॉन्सैप्ट जिहड़ा हैगा यूज़ कर सकते हो। उपर हैंगिंग लाइट्स दी हुई है, बहुत प्यारा लग रहा है। सब तो अच्छी गल ये हैगी है इहदी लोकेशन बहुत प्यारी है दोस्तों। इहदी लोकेशन जिहड़ी हैगी है टचिंग हाईवे है, NH21 हाईवे जिहड़ा हैगा बहुत नज़दीक है, और रूम साइज़ भी काफ़ी बड़े हैं क्योंकि 30x60 है। बैड लगन तो बाद 6-6.5 फुट का बैड लगन तो बाद भी जगह बहुत बचती है दोस्तों। तो दोस्तों ये वॉशरूम्स आ जाते हैं, और प्रॉपर जिहड़ी हैगी फिटिंग हुई हुई है। आ सीट और हैंड वॉश लगन तो बाद भी जगह काफ़ी बचती है। तो दोस्तों ये आ गया अपना पहला रूम, ये आ गई अपनी LED पैनल, और ऊपर सारी फॉल्सलिंग हुई हुई है, और ये आ गई फुल साइज़ कपबोर्ड्स बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों बैड लगन तो बाद भी काफ़ी जगह बचती है, और ऊपर तक जिहड़ी हैगी सारी कपबोर्ड्स बनी हुई है। हुण आपां चलते हैं सैकेंड रूम दे विच, सैकेंड रूम भी दिखा दिंदा। आ जाता अपना सैकेंड रूम, सेम बहुत बड़ा रूम साइज़ हैगा, और सेम स्पेशियस काफ़ी हैगा, बैड लगन तो बाद भी जगह काफ़ी बचती है। ये आ गया अपना LED पैनल, और सब तो अच्छी गल है कि 8 फुट के सारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं दरवाजे। तो दोस्तों ये भी थोड़ा वॉशरूम दिखा दिना, सेम चीज़ है वॉशरूम, वॉशरूम साइज़ भी काफ़ी खुला हैगा, सीट तो वॉशबेसन लगन तो बाद भी जगह बचती है, टॉप तक जिहड़ी हैगी टाइलिंग्स हुई हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये आ गया अपना फुल साइज़, आ गया अपनी कपबोर्ड्स, उपर सारी फॉल्सलिंग हुई हुई है, और तुसी देख सकते हो फुल साइज़ LED पैनल बनया हुआ है दोस्तों। 8 फुट के सारे स्टैंडर्ड दरवाजे जिहड़े हैगे, पिछे भी सारे सेम दरवाजे है,
मेन गल है कि दरवाजे दे विच कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वुडन वर्क सारा बहुत ही अच्छा होया है। आ पिछला बेड़ा आ गया, तुसी देख सकते हो प्रॉपर ग्रिलिंग हुई हुई है ऊपर तक, और काफ़ी खुला बेड़ा है जिवें कि तुहानू दिखा रहे हैं। दोस्तों वॉशिंग एरिया आ जाता और टाइल नाल पूरा कवर्ड किया हुआ है, 6 फुट तक तकरीबन टाइल्स लगी हुई हैं, और वॉशरूम की वेंटीलेशन हैगी है, और इस वॉशरूम की भी वेंटीलेशन इस साइड दिती हुई है। दोस्तों दोनों दरवाजे जिहड़े हैगे आ पिछले बेड़े नू टच करते हैं। तो दोस्तों नीचे हैगा 2 रूम सैट है, और आ सीगा अपना जिवें कि तुहानू दिखा रहे हैं, ये आ गया अपना 2nd रूम। एक बार फिर दस रहे दोस्तों, ये मेन एंट्रेंस आ गई, आ मॉडलर किचन आ गई तुसी देख सकते हो, और दोस्तों ये आ गई अपनी ड्राइंग रूम स्पेस आ गई, और सिटिंग एरिया आ गया, और ये डाइनिंग एरिया आ गया सामने, और ये आ गया अपना पहला रूम अटैच वॉशरूम तुसी देख सकते हो। दोस्तों तो दोस्तों कॉन्सैप्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर कोई अपनी प्राइवेसी चाहता है, कोई चाहता मेरे घर कोई मतलब अगर गैसट आता है तो उन्होंने इतों की डोर दिता हो सैपरेटली जोड़ा है उस साइड बैठ सकता है। तो दोस्तों हूँ आप फस्ट फ्लोर पर चलते हैं, फस्ट फ्लोर भी दिखा दिना। ये सारी स्क्वेयर पाइप्स दिती हुई हैं, सारा हैवी स्टील वर्क होया, और टॉप तक जी है स्टेयर्स बनी हुई हैं। दोस्तों कलू तुसी दोस्तों जिमें कि मैं तुम दिखाना चाहवागा, उपर सारी लाइट्स लगी हुई हैं, ये 2 डोरस दिते हुए हैं, सिटिंग एरिया अलग किया हुआ है, और मेन एंट्रेंस भी अलग की हुई है। दोस्तों उपर सारा ग्लास लगे तुम देख सकते हो, नीचे सारा गार्डन जोन एरिया आ गया, प्रॉपर ग्रेनाइट लग्या हुआ है, और उपर तक जी है टाइलिंग्स लगी हुई है। दोस्तों अगर आप इतों की देखिए तो 2nd फ्लोर में चली जाती है, उपर मोंटी बनी हुई है, ये आ गया आप 1st फ्लोर पर, सेम 8 फुट के सारे स्टैंडर्ड दरवाजे दिते हैं, सेम क्वालिटी हैगी जो नीचे आप डोरस देख रहे थे, सेम उही क्वालिटी जोड़े है डोरस बने हुए हैं। दोस्तों ये आ जाती अपनी मॉडलर किचन आ जाती, सेम वाइट तो ग्रे शेड के किचन हैगी है, एल शेप किचन हैगी जिमें कि तुम दिखा रहे हैं, सेम कॉन्सैप्ट है जो आप थले देखा सी, वही सेम किचन हैगी है। दोस्तों तो तुम देखोगे काफ़ी सारे बॉक्सिस दिते हुए हैं, इस तो अलावा थोड़ा दिखाना चाहवागा। दोस्तों ये आ जाती है अपनी इधर भी जोड़ा है, तुम अपना समान रख सकते हो, और किचन काफ़ी बड़ी हैगी है, 3-4 बंदे ईजली खड़ सकते हैं। तो दोस्तों सेम डाइनिंग का जोड़ा है टेबल भी दिता हुआ है, और इस सामने LED पैनल आ जाता, काफ़ी बड़ा LED पैनल है, इधर तुम अपना क्रॉकरी समान रख सकते हो, और इतने बड़ी तो बड़ी LED लग जाती है। तो दोस्तों ये आ जाता अपना 3rd रूम, ये चाहे तुम बाहरों की भी एंट्रेंस दी हुई है, ये सिटिंग एरिया भी बना सकते हो, अगर 1st फ्लोर पर थोड़ा कोई गैसट आ जाता है इनू रूम च जोड़ा है, रूम हैगा थोड़ा बेसिकली रूम आ जाता है, ये आ गया 3rd रूम, ये 5 BHK हैगी है, अटैच वॉशरूम आ गया, आ फुल साइज जी है कपबोर्ड्स बनी हुई है टॉप तक, ये जी है ड्रेसिंग की ऑप्शन दिती हुई है, अटैच वॉशरूम आ जाता। दोस्तों सैनिटरी फिटिंग सारी हुई हुई है, तुम देख सकते हो। तो दोस्तों ये रूम साइज जोड़ा है काफ़ी बड़ा है, ये अपना 3rd रूम, क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लक्कड़ का तुम शेड देख सकते हो बहुत प्यारा है, कोठी का काम बहुत ही अच्छा होया है, क्वालिटी किसी तरह की भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दोस्तों तो दोस्तों ये आ जाता अपना 4th रूम, 4th रूम भी दिखा दिता, सेम LED पैनल बनया हुआ, उपर सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है, पिछे वॉलपेपर भी दिता हुआ है, और फ्लोर भी तुम देख सकते हो काफ़ी बड़े, पंजों रूम्स काफ़ी बड़े है, 6x6 का बैड लगन तो बाद भी बहुत जगह बचती है। तो उस अलावा तुम दिखाना चाहवागा ये आ जाता अपना 4th रूम, सेम 2x4 की टाइलिंग्स हुई हुई है, वॉशरूम साइज काफ़ी जड़े है बड़े दिते हुए हैं। दोस्तों ये आ जाता अपना तुम देखोगे फुल साइज कपबोर्ड्स बनी हुई है, और वॉलपेपर के नाल बिल्कुल कॉम्बीनेशन किया है, LED पैनल डिजाइन सारे रूम के बहुत प्यारे है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, कॉम्बीनेशन भी है, और तुम देखोगे छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान दिता गया, लाइटिंग्स भी दिती हुई है नाल, तो डोरस जोड़े है वो सारे क्वालिटी डोरस है देख सकते हो। हूँ मैं तुम्हें 5th रूम दिखाता, दोस्तों ये आ जाता अपना 5th रूम, सेम तुम देख सकते हो 5th रूम भी सेम काफ़ी स्पेशियस है, और पिछे भी वॉलपेपर लगे हुआ है,
ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਕ, ਮਾਰਕੀਟ, ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਠੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਫਥ ਰੂਮ, ਇਹ 5 BHK ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ LED ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਬੋਕਸਿਸ ਨੀਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ LED ਪੈਨਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੂਡਨ ਵਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਾਲੀ ਡੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਪਿਛਲਾ ਡੋਰ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਗੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਡੋਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਰੂਮ, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਰੂਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲਰ ਕਿਚਨ, ਸੇਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਰੂਮ, ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਫਿਫਥ ਰੂਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ 7988605147 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ LED ਪੈਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਹ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।